नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आपको नवरात्रि के बारे में जानकारी बताने वाली हूँ। नवरात्रि के 9 दिन 9 दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं जानकारी बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। 9 दुर्गा के 9 रूप, पहला रूप होता है माता शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का स्वरूप पार्वती और हेमवती, इन्हीं के नाम पर पड़ा गया नाम रखा गया है। माँ का वाहन वृषभ है, इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री का मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करके आपको माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। ओम देवी शैलपुत्रे स्वाहा, ये मंत्र है। माँ की पूजा में विशेष रूप से जो है षोडश उपचार पूजन किया जाता है और प्रतिपदा तिथि को नैवेद्य के रूप में गाय का ही माँ को अर्पित किया जाता है। बाद में वह ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की भक्तिपूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती के जीवन के काल का वो समय था जब भगवान शिव ने अपने पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या वो कर रही थी। प्रथम चरण में उन्होंने केवल फलों का सेवन किया, फिर वो बेलपत्र का सेवन किया, अंत में वो निराहार रहकर उन्होंने कई वर्षों तक तप किया और शिव जी को प्रसन्न किया। इनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो मंत्र है वो ये है, ओम देवी माँ ब्रह्मचारिणी नमः। भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए और उस चीनी को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है और इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग और सदाचार की वृद्धि होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिन्हें दुर्गा जी का तीसरा अवतार भी कहते हैं। देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है और इसीलिए जो है इन्हें माँ चंद्रघंटा भी पुकारा जाता है। इनका वाहन सिंह है और यह स्वरूप युद्ध और दुष्टों का नाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। चंद्रघंटा को स्वर्ग की देवी भी कहा जाता है। इनका स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। इनके हाथ में शंख, कमल, धनुष, बाण, तलवार, कमंडलू, त्रिशूल, गदा आदि शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके माथे पर स्वर्णिम घंटे के आकार का चांद बना हुआ है। इनके गले में सफेद फूलों की माला है और चंड घंटा माँ की सवारी सिंह है। चंड घंटा माता सदा ही युद्ध के लिए उद्युत रहती है, ऐसी दिखाई देती है। माना जाता है कि इनके घंटे के तेज और भयानक ध्वनि से ही, मतलब भयानक आवाज से ही दानव, अत्याचारी और राक्षस डरते हैं। देवी चंद्रघंटा की साधना करने वालों को अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है तथा दिव्य ध्वनि भी सुनाई देती है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। दूसरे दिन भगवती की पूजा के लिए दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजा के बाद उस दूध को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तीसरे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हस्ती से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली माता कुष्मांडा देवी दुर्गा देवी का चौथा रूप है। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। वो सिंह पर सवार है और सूर्यलोक में वास करती है, जो क्षमता किसी अन्य देवी देवता में नहीं है, ऐसा माना जाता है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी है और अस्त्र शस्त्र के साथ एक हाथ में अमृत कलश भी उन्होंने लिया हुआ है। देवी कुष्मांडा का जो है इस मंत्र से जाप करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। मंत्र है, ओम देवी कुष्मांडायै नमः। दिन मालपुए का भोग नैवेद्य देवी को अर्पण करना चाहिए और फिर इसे योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दान से हर प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। मान्यता है कि माता की उपासना से मनुष्य को व्याधियों से मुक्ति मिलती है। मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों से दूर होकर सुख और समृद्धि की तरफ आगे बढ़ता है। अब जानते हैं नवरात्र के पांचवे दिन जो है माता स्कंद माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को भगवान स्कंद कहते हैं और उनकी माता को स्कंद माता कहते हैं। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं, वो हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। ऊपरी भुजा उठी हुई है जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती है। एक हाथ से उन्हें गोद में बैठे हुए अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। इनका वाहन सिंह है। कार्तिकेय को देवताओं को
कार्तिक के जो है भगवान कार्तिक, उन्हें देवताओं का सेनापति माना जाता है तथा माता अपने पुत्र स्कंद से अत्यधिक प्रेम करती है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है, माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती है। स्कंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इन्हें स्नेह और ममता की देवी भी माना जाता है। इनका मंत्र है जिससे आप इनकी पूजा कर सकते हैं, वो ये है, ओम देवी स्कंद माता यही नमः। इनकी पूजा में पंचमी तिथि के दिन केले का भोग लगाना चाहिए। यह प्रसाद ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। छठे दिन जो है देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी दुर्गा जी का छठा अवतार है। शास्त्रों के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्र के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से की जाती है। दिव्य रूपा कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है। चार भुजाधारी कात्यायनी माँ सिंह पर सवार है। अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में प्रिय कर्मक का पुष्प इन्होंने लिया हुआ है, और अन्य दो हाथ जो है वो वर्ग मुद्रा और अभय मुद्रा के रूप में है। इनका वाहन सिंह है और देवी कात्यायनी के नाम और जन्म से जुड़ी हुई कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। इनका जो है मंत्र है वो ये है पूजा करने के लिए, ओम देवी कात्यायनी नमः। तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। मधु मतलब शहद, हनी। इस दिन प्रसाद के रूप में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से जो भक्त है, साधक है, वो उसे सुंदर रूप प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी जाती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयासरत भक्तों को माता की अवश्य उपासना करनी चाहिए। सातवें दिन दुर्गा जी के सातवें रूप स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। असुर के राजा रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि का जो है स्वरूप वो भयानक है। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं तथा इनके गले में विद्युत की माला है। इनके चार हाथ है जिन्होंने इन्हें एक हाथ में कटार, एक हाथ में लोहे का काटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा दो हाथ है जिनके वर्ण जिनमें वर्ग मुद्रा और अभय मुद्रा है। इनके तीन नेत्र है। इनके श्वास से अग्नि निकलती है। इनका वाहन गदा यानी गंधर्व है। माता कालरात्रि की उत्पत्ति की कथाओं के अनुसार दैत्य शिमु निष्म और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। इससे चिंतित होकर सभी देवगण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने के लिए अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया तथा शुंभ निशुंभ का वध किया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले हुए रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देखकर दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब भी दुर्गा जी रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। माँ कालरात्रि का मंत्र है, ओम देवी कालरात्रि नमः। इस मंत्र का जाप आप माँ की पूजा में कर सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके उस गुड़ को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त होता है। मान्यता है कि माता कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। माता कालरात्रि की पराशक्तियों की साधना करने वाले लोग जो है वो बेहद उन लोगों के बीच में माता बहुत प्रसिद्ध है। माँ की भक्ति से दुष्टों का नाश होता है और ग्रह बाधाएं भी दूर हो जाती है। अब जानते हैं आठवें दिन जो है माता महागौरी की पूजा की जाती है। शंख और चंद्र के समान अत्यंत श्वेत वर्णधारी माँ महागौरी, ये दुर्गा जी का आठवां स्वरूप है। नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जो शिवजी की अर्धांगिनी है। कठोर तपस्या के बाद देवी ने शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। देवी महागौरी का शरीर बहुत ही गोरा है। महागौरी के वस्त्र और आभूषण भी श्वेत होने के कारण उन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। महागौरी की चार भुजाएं हैं जिनमें दो हाथ डमरू और त्रिशूल भी है। अन्य दो हाथों में अभय और वरद मुद्रा है। इनका वाहन गाय है। महागौरी नाम पढ़ने की कथा मैं अब आपको बताती हूँ। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप के कारण माँ पार्वती का रंग काला हो गया, शरीर क्षीण हो गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने माता पार्वती के शरीर पर गंगा जल से धोया और वह विद्युत प्रभा के समान गौर हो गया। इसी के कारण माँ को महागौरी का रूप प्राप्त हुआ
और इसी नाम से उन्हें पूजा भी जाता है। मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। इस मंत्र से आप माँ महागौरी की पूजा कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए और उसे नैवेद्य के रूप में ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इसे फलस्वरूप उस पुरुष के प्राप्त किसी भी प्रकार का संताप नहीं आ सकता। दुर्गा जी के आठवें स्वरूप माँ महागौरी का प्रसिद्ध पीठ हरिद्वार में हरिद्वार के समीप कनखल में है। नौवा रूप माँ सिद्धिदात्री, सर्वसिद्धियों की दात्री मतलब माँ सिद्धिदात्री, ये नौवा और अंतिम रूप है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रों का समापन होता है। हिंदू धर्म और पुराणों में बताया गया है कि देवी सिद्धिदात्री के चार हाथ है। वह शंख, गदा, कमल, फूल तथा चक्र धारण करती है। यह कमल पर विराजमान रहती है। इनके गले में सफेद फूलों की माला होती है। माथे पर इनके तेज रहता है। इनका वाहन सिंह है। देवी पुराण और ब्रह्म वैतरण पुराण में देवियों की शक्ति और महिमाओं का बखान किया गया है। इनका मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। इस मंत्र से माता का पूजन करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन भगवती को धान का लावा अर्पित करके ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस दिन देवी को अवश्य भोग लगाना चाहिए। विशेष समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा विशेष मानी जाती है। मैंने जो भी जानकारी आपको दी है वो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।